हेलो एंड वेलकम, बिटकॉइन एंड क्रिप्टो मार्केट अपडेट में आपका स्वागत है। तो इस हफ्ते फिर से हम बिटकॉइन और इथेरियम का एनालिसिस करेंगे। लेवल्स मैं आपको दूंगा और लास्ट टाइम जो हमने लेवल्स निकाली थी वो हम फिर से थोड़ा चेक करेंगे और अपडेट करेंगे लेवल्स को। ओके, तो कुछ अपकमिंग इवेंट्स भी है बिटकॉइन के लिए, वो भी हम फिर से रिव्यू करेंगे। इवेंट्स कब कब है, उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है मार्केट पर, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो इथेरियम का भी एनालिसिस करने वाले हैं, तो पूरा वीडियो एंड तक देखिए और समझ लीजिए। तो बिटकॉइन का थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं और कुछ लेवल्स आज अपडेट कर लेंगे। लास्ट टाइम मैंने आपको देखो 27 अगस्त के आसपास हम याद है, ओके, तो मैंने आपको बताया कि 28,000 अप्रॉक्सीमेटली टेस्ट करना है मार्केट को। ओके, 28,000 टेस्ट ऑलरेडी हो चुका है रीटेस्ट करके, फिर मार्केट अभी थोड़ा बेरिशनेस आ चुका है। और मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ से थोड़ा ब्रेकआउट करता है 29,000 के बाद जो है ना बुल्स थोड़ा कंट्रोल ले सकते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली वही किया मार्केट ने, 28,000 के आसपास रिटेस्ट किया, 29,000 क्रॉस नहीं कर पाए लेकिन फिर से रिजेक्ट हो गए। अभी हम एक सपोर्ट जोन की तरफ फिर से आ चुके हैं। ओके, तो अगर आप देखो तो प्राइस एक्शन के बेसिस पे, जो लोग प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करते हैं उनको पता है कि यहाँ पे एक हाई है, राइट, प्रीवियस हाई ये है, उसके बाद ये हाई बनाए। अब जब तक मार्केट इस हाई को ब्रेक नहीं करता है तब तक हम अच्छा मूवमेंट मार्केट में नहीं देख सकते। ठीक है, तो लेवल वाइज जाना पड़ता है हमेशा क्रिप्टो मार्केट में आपको अगर ट्रेडिंग करना है। तो बिटकॉइन का जो 28,000 का लेवल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और 29,000 के बाद हो सकता है बुल थोड़ा कंट्रोल ले ले। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर इस लेवल को ब्रेक करते हैं तो यहाँ से थोड़ा मार्केट थोड़ा ट्रेंडिंग हमें दिख सकता है, या फिर बुल्स यहाँ से कंट्रोल ले सकते हैं। ओके, तो फिलहाल 28,000 के आसपास रेजिस्टेंस बन चुका है। ओके, ये हाई जब तक ब्रेक नहीं करता मार्केट तब तक बड़ा मूवमेंट हम अभी तक नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। पैटर्न वाइज बात करेंगे तो यहाँ पे मैंने आपको एक फ्लैग पोल दिखाया था, राइट, फ्लैग पोल अप्रॉक्सीमेटली ऐसे ये कुछ बनाएगा। तो अगर ये हाई क्रॉस करता है तो बात की बात है, लेकिन लेट्स सी, अगर फ्लैग पोल ऐसे ही बनाता गया है तो कंटिन्यूएशन पैटर्न में मार्केट जो है ना नेक्स्ट सपोर्ट लेवल तक भी फिर से सपोर्ट लेने के लिए आ सकता है। तो 25,000 अपना नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है ही, वैसे यहाँ पे 25,000 का हमारा जो सपोर्ट लेवल है वो अभी भी होल्ड किया है, और एक सपोर्ट लेवल है इनकेस अगर बेयर्स ज़्यादा कंट्रोल लेते हैं मार्केट का, तो 23,100 ये एक लेवल है। चार्ट के ऊपर एनालिसिस करके दिखाऊंगा मैं आपको एग्जैक्टली कैसे कैसे ये आपको दिखेगा। ओके, तो 28,000 जब तक ब्रेक नहीं होता मार्केट बुल्स यहाँ से कंट्रोल नहीं ले सकते। ठीक है, और अगर आपको ओवरऑल देखेंगे तो यहाँ पे एक छोटी सी ट्रेंड लाइन काइंड ऑफ पैटर्न भी बना है, अभी एग्जैक्ट तो नहीं है लेकिन अप्रॉक्सीमेटली ये ट्रेंड लाइन जब तक होल्ड कर रहा है मार्केट तब तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से थोड़ा बुलिशनेस दिख सकता है या फिर बुल्स यहाँ पे होल्ड कर सकते हो। ओके, तो ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नीचे 25,000 का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अगर ब्रेक होता है तो फिर थोड़ी दिक्कत आ सकती है और बेयर्स यहाँ से कंट्रोल ले सकते हैं। 30,100 जोन नेक्स्ट सपोर्ट लेवल बन जाता है। ओके, तो लेवल वाइज जाइए, लेवल वाइज जाओगे तो हमेशा आपको मार्केट में ये पॉजिटिव दिखेगी और प्रॉफिट भी बनता है अच्छा अगर आप लेवल वाइज जाओगे। बाकी न्यूज़ फ्लोट होती रहती है, कुछ न्यूज़ अच्छी होती है कुछ बुरी होती है, लेकिन आप न्यूज़ अगर फॉलो करते रहोगे तो बोल नहीं सकते कि कौन सी न्यूज़ एग्जैक्टली कैसे मार्केट रिएक्ट करेगा, राइट, कोई न्यूज़ फेक भी हो सकती है। तो बेटर है कि सामने जो हमारे है लेवल्स है उसके वाइज जाएंगे तो ज़्यादा ट्रैप होने के चांसेस नहीं होते। ओके, तो हमेशा टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करो, चार्ट्स को फॉलो। अब EMAs की बात कर ले तो देखो यहाँ पे 20 EMA अभी टेस्ट कर रहा है मार्केट। ओके, तो 20 EMA जब तक अभी जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं उनके लिए ये अच्छा है कि 20 EMA जब तक ब्रेक नहीं होती उसके ऊपर हम सस्टेन नहीं होते तब तक थोड़ा बेरिशनेस अभी दिखता है। बिकॉज देखो पहले से हम 20 EMA के नीचे 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 मार्केट कंटिन्यूसली ट्रेड हो रहा है। ओके, और यहाँ पे भी अच्छा सस्टेन नहीं हो पाया मार्केट 20 EMA, और फिर अगर ये यहाँ पे ब्रेक करता है तो थोड़ा बुलिशनेस जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं उनके लिए दिख, तो वो नज़र रखिए आप उस लेवल पे। नीचे की ट्रेंड लाइन तो मैंने आपको यहाँ पे दी है, ये ट्रेंड लाइन भी आप फॉलो करो, इसके नीचे क्लोजिंग वगैरह करता है तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो 20 EMA अभी भी होल्ड है, तो ओवरऑल देखेंगे तो EMAs के नीचे चल रहा है मार्केट। RSI भी दिखा देता हूँ आपको, RSI मोस्टली आपको पता है कि अगर RSI 50 लेवल के नीचे अगर ट्रेड हो रहा है मोस्टली मार्केट में बेरिश नहीं होता या फिर मोमेंटम नहीं होता है, बिकॉज RSI इज बेसिकली अ मोमेंटम इंडिकेटर। मोमेंटम जब तक आता नहीं है मार्केट में, जब बुलिशनेस आता है मार्केट में तो देखो 50 लेवल के ऊपर मोमेंटम होता है तो मार्केट अच्छे से ट्रेंड भी करता है वहाँ, लेकिन जब मोमेंटम नहीं होता है मार्केट में 50 लेवल के ऊपर जब तक मार्केट ट्रेंड नहीं होता तब तक मोस्टली बेयर्स यहाँ पे कंट्रोल लेते हैं मार्केट का, ऐसे देखा जाता है। तो बिटकॉइन की ये सारे लेवल्स आपको यहाँ पे दिख रही है। फिबोनाची की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 0.5 फिबोनाची टेस्ट हुआ है, अभी 0.2 फिबोनाची के ऊपर ट्राई कर रहा है मार्केट, लेकिन अगर सस्टेन नहीं होता है तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से फिर ये सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो फिबोनाची का अभी 26,000 का 0.2 लेवल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये होल्ड नहीं करता है तो दिक्कत आ सकती है फिर बुल्स को। ठीक है, तो ये
टेक्निकली आप एक चीज़ याद रखो, और ये ट्रेंड लाइन तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताई थी राइट, ये ट्रेंड लाइन तो हम फॉलो कर ही रहे थे। तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर भी जब तक मार्केट अच्छे से ट्रेंड नहीं होता तब तक बेरिशनेस थोड़ी रह सकती है मार्केट। तो डायरेक्टली कोई बोलेगा कि बहुत ऊपर बुलिश होने वाला है, बहुत नीचे बेरिश होने वाला है, तो बेटर लेवल वाइज जाएंगे ना तो ट्रैप नहीं होंगे आप, तो आपके लिए वो अच्छा होता है। चलो अब इथेरियम की बात कर लेते हैं। हर चीज़ अगर आप स्कैल्पिंग और फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हो तो ये एक्सचेंज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो MEXC नाम का एक्सचेंज है उसके ऊपर फायदा है कि जीरो मेकर फीस है, फ्यूचर्स में भी स्पॉट के ऊपर भी जीरो मेकर और टेकर फीस है। फ्यूचर्स में अगर आप ट्रेड करते हो तो जीरो मेकर फीस है, 0.01 टेकर फीस है। ओके, तो कंपेयर करेंगे बाइनेंस बाकी एक्सचेंजेस के साथ तो फ्यूचर्स में बहुत ही कम फी है। तो अगर आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हो या फिर स्कैल्पिंग करते हो, इंट्राडे करते हो, तो ये एक्सचेंज आपके लिए बहुत अच्छा है। लिंक दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन में, वो लिंक से अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको $5 वगैरह बोनस वो सारी चीज़ें मिल सकती है ट्रांसफ़र करने पे, और लिंक से ही जाना होगा तभी आपको ये सारे बेनिफिट्स मिल पाएंगे। और इनके पास बीच बीच में आप देखोगे तो डेमो ट्रेडिंग भी है, कॉपी ट्रेडिंग है, बहुत सारे ऑप्शन जो रेगुलर एक्सचेंजेस पे भी होते हैं, तो डेमो ट्रेडिंग भी इनका आप ट्राई कर सकते हो। फ्यूचर्स का डेमो ट्रेडिंग इसमें प्रैक्टिस आप कर सकते हो, ठीक है? तो साइन अप कर लेना, बहुत फ़ायदा है। और लॉन्च पैड भी है इनका, लॉन्च पैड के ऊपर नए नए कॉइन्स आते रहते हैं, उसमें एयर ड्रॉप्स आपको मिल सकते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स इनके पास है, ठीक है? तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से ज्वाइन कर लेना, काफ़ी फीस काफ़ी बच जाएगी आपकी, बहुत ही कम फीस है, मैंने ट्रेड करके देखा है फ्यूचर्स में। ओके, इथेरियम की तरफ बढ़ने से पहले इवेंट के बारे में थोड़ा बता देता हूँ आपको। देखो, फेड के इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो इकोनॉमिक कैलेंडर होता है फेड का वो फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जैसे जैसे मार्केट फेड के जो तो डिसीजंस होते हैं उनको रिएक्ट करता है, ग्लोबली स्टॉक मार्केट भी करता है, तो क्रिप्टो में भी उसका इम्पैक्ट दिखता है। तो बिटकॉइन बेसिकली देखा गया है कि मोस्टली फेड के जो अपडेट्स है उसमें रिएक्ट करता है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि कब कब इवेंट है और कब उसको अपॉर्चुनिटी का फायदा भी ले सकते हो आप, या फिर तब अवॉइड भी कर सकते हो, दोनों आपके लिए अच्छा रहेगा। अब 13 सितंबर को नेक्स्ट इवेंट है। ओके, तो वो CPI इवेंट है, कोर इन्फ्लेशन जो डेटा है वो तब रिलीज होता है, तो तब की लेवल्स के ऊपर डिपेंड है कि मार्केट यहाँ से बुलिश या बेरिशनेस दिखा देगा। तो वो जब होगा तब होगा, लेकिन 13 सितंबर को शाम को इंडियन टाइम 6 बजे ये इवेंट रहेगा। ओके, तो वो आपको याद रखना है, और इस टाइम के आसपास काफ़ी वोलेटिलिटी मार्केट में दिख, इसलिए 13 सितंबर नेक्स्ट इवेंट है, आई थिंक 4-5 दिन के बाद आ जाएगा वो। 13 सितंबर के टाइम 6 PM को ये याद रखना, उसके बाद फिर मे बी अभी जो कंसोलिडेशन चल रहा है मार्केट के बाद एक साइड मूवमेंट हो सकता है, पॉसिबिलिटी होती है। तो इथेरियम की बात कर लेते हैं। इथेरियम के लिए भी मैंने आपको सेम लेवल दी थी, मोस्टली आपको बताया कि इथेरियम BTC को ही फॉलो करता है। ओके, तो जैसे जैसे बिटकॉइन जाएगा वैसे वैसे इथेरियम उसको फॉलो करता है। अब करंटली देखेंगे तो मैंने आपको बोला था कि 1750 लेवल लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, 1750 रिटेस्ट हो सकता है जब BTC 8000 रिटेस्ट करेगा, तो अपडेट में आप देख सकते हो जाके। 17050 तो रिटेस्ट हो चुका है, अभी दिक्कत आ रही है मार्केट को फिलहाल सपोर्ट होल्ड करने में। ओके, तो जब तक ये सपोर्ट होल्ड नहीं होते तब तक थोड़ी दिक्कत रहेगी मार्केट को। ओके, तो ये 1750 लेवल अभी इम्पोर्टेंट है, 1750 जब ब्रेक होके सस्टेन होगा तो मोस्ट प्रोबेबली थोड़ा बहुत एक्शन यहाँ पे दिख सकते हैं इन ये ट्रेंड लाइन वगैरह अप्रॉक्सीमेट, ये थोड़ा बेरिश जोन यहाँ पे बन चुका है। मोस्टली मैंने आपको बताया कि 1850 के ऊपर अच्छा मूवमेंट करेगा मार्केट, तो ये काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस है जो मार्केट को ब्रेक करना पड़ेगा। ये शॉर्ट टर्म लेवल है 1750, उसके ऊपर थोड़ा एक अभी रेजिस्टेंस बनेगा फिलहाल, तो 1750 देखते हैं ब्रेक कर पाता है नहीं पाता है। तो 1650 जो लेवल था वहाँ से फिर से मार्केट आ चुका है, तो 1650 करंटली होल्डिंग कर रहे हैं। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि 1450 एक लेवल है जो उस यहाँ से अगर सपोर्ट नहीं बनता है तो ये ट्रेंड लाइन आपको दे देता हूँ। एक फ्लैग पोल पैटर्न भी हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया था, तो फ्लैग पोल पैटर्न आपको पता है कि कंटिन्यूएशन पैटर्न है, फ्लैग पोल पैटर्न अगर नीचे कंटिन्यूएशन में बनता है तो वो नीचे की तरफ ही ब्रेक होता है। ठीक है, यहाँ पर ये ऐसे कुछ भी बना सकता है, और बेयर्स अगर कंट्रोल लेते हैं तो 1500, चलो 1450 जगह 1500 अप्रोक्सीमेट लेवल है, यहाँ पे देखेंगे तो ये सपोर्ट लेवल है। 1450 इज ओके, 1450 लेवल काफ़ी अच्छा है, अगर वो यहाँ से अगर ये सपोर्ट होल्ड नहीं करता, ये ट्रेंड लाइन होल्ड नहीं करती इथेरियम की, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 1450। ठीक है, तो 1750 यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। प्राइस एक्शन के बेसिस पे आपको पता है कि जब तक प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं होता मार्केट का तब तक मार्केट अपना ट्रेंड चेंज नहीं करता, राइट? जब तक ये प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं करता आपको, तब यहाँ पे जो पहले का हाई था ये था ये था, अभी ये अगर ब्रेक करता है मार्केट तो अच्छी बात है। तो अभी के लिए प्रीवियस हाई ये था, उसके बाद यहाँ पे छोटा सा हाई बना, ये एक बहुत ही अच्छा स्विंग हाई है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट को, तो बुल्स को कंट्रोल लेने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। तो लेवल वाइज जाइए,
और बाकी मैं आपको अपडेट देते रहूँगा, बिटकॉइन और इथेरियम के दोनों अपडेट्स हमने देखे। फिबोनाची भी एक बार देख लेते, चलो फिबोनाची वाइज अगर देखेंगे इथेरियम में क्या चल रहा है। यहाँ पे देखो ये फिबोनाची अगर मैं यहाँ पे डालता तो अभी पॉइंट, जैसे बिटकॉइन 0.2 फिबोनाची के ऊपर था, इथेरियम अभी 0.2 फिबोनाची के नीचे है, ठीक है। लेकिन फिर ये लेवल के बाद ही थोड़ा बहुत बुल्स कंट्रोल ले सकते हैं। तो 0.2 फिबोनाची ब्रेक करता है तो देखते हैं फिर उसके बाद थोड़ी कितना बुलिशनेस दिखाता है मार्केट। और रेजिस्टेंस तो आपको पता है अभी 1750 एक रेजिस्टेंस है, और ट्रेंड चेंज 1850 के बाद ही यहाँ पे हम देख सकते हैं थोड़ा बहुत, ओके। और नीचे की तरफ देखेंगे तो 1450 नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है जो आप देख सकते हो। तो जैसे बिटकॉइन जाएगा वैसे इथेरियम भी जाता है। ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट देखेंगे तो मार्केट वैसे सेम फेज में है, साइड वाइज ट्रेंड में है, लेकिन BTC की वजह से आपको क्लियरिटी आ जाती है कि एग्जैक्टली आपको क्या करना है और किस डायरेक्शन में मार्केट जा सकता है, ठीक है। तो बाकी नेक्स्ट वीक में फिर से मैं आपको अपडेट दूंगा, और बिटकॉइन देखेंगे, इथेरियम भी देखेंगे, कुछ टोकन भी देखेंगे। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, टेक केयर, बाय बाय।